जहाँ सभी मजलिस के सिपाही जमा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम कर रहे हैं। हम लोग शहर नांदेड़ के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लाना चाहते हैं। अल्हाज बैरिस्टर सुद्दीन औसी साहब का बातों को मजबूत करना चाहते हैं। जनाब नसीम सिद्दीकी साहब दिल्ली से यहाँ आए हैं, मैं अमरावती से यहाँ आया हूँ, देश के कोने कोने से यहाँ पर जिम्मेदार आए हुए हैं। तो ये अल्हाज बैरिस्टर सुद्दीन औसी साहब की मोहब्बत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत में यहाँ आई है। साहब ये जमात की मोहब्बत है, जमात की मोहब्बत ने हमको दिल्ली से अमरावती से देश के कोने कोने से यहाँ नांदेड़ में ला दिया है। हम लोग चाहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले जो निकली है वो नांदेड़ से निकली है। शहर नांदेड़ को देखते हुए हमारे अमरावती शहर के अंदर 11 सीटें चुनकर आई है। आपका जो शहर नांदेड़ है वो महाराष्ट्र का मरकज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मरकज है। यहाँ का जो रिजल्ट आएगा आपके रिजल्ट के ऊपर ही आगे का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र के अंदर जो कैरियर होगा, जो हम मजलिस आगे बढ़ेगी वो आपके यहाँ के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जिम्मेदारों से मुहतिबाना अपील करता हूँ कि हमें 11 तारीख को ये नहीं देखना है कि हम वासिफ भाई को वोट दे रहे हैं, हमें ये नहीं देखना है कि हम सलीम अफगान साहब को वोट दे रहे हैं, अब्दुल बारी साहब को वोट दे रहे हैं, ख्वाजा मोहम्मद अफजलुद्दीन साहब को वोट दे रहे हैं। यहाँ सबके सब फैन है, अमरावती शहर में मेरे भी फैन है, मेरे भी कार्यकर्ता है जो मुझे चाहते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कार्यकर्ता हूँ, मैंने 11 सीटें चुनकर लाया हूँ। महानगर पालिका अमरावती शहर के अंदर पहली बार मुसलमानों ने 11 सीटें चुनकर लाई, हमने वहाँ इतिहास बनाया। और आज पूरी की पूरी महानगर पालिका के अंदर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक हरा कैबिन हम लोगों ने वहाँ बनाया है। वादा करिए इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महानगर पालिका में यहाँ पर भी हरा कैबिन होगा, इंशाल्लाह होगा ना इंशाल्लाह। दोस्तों अमरावती शहर के अंदर एक तरफ शिवसेना का कैबिन है, एक तरफ बीजेपी का कैबिन है, एक तरफ कांग्रेस का कैबिन है, एक तरफ बीएसपी का नीला कैबिन है, लेकिन हमने वहां की आवाम को बताया कि आपको नहीं लगता कि महानगर पालिका के अंदर भगवा कैबिन है, नीला कैबिन है, कांग्रेस का कैबिन है, आपको नहीं लगता आपकी जमात का भी कैबिन होना चाहिए, आपकी भी एक कुर्सी होना चाहिए, आपका भी एक गठ नेता होना चाहिए। जिस तरीके से हर आम सभा के पहले एक मीटिंग होती है, प्री मीटिंग जिसे कहा जाता है, कि कल की आम सभा में क्या होगा वो एक दिन पहले तय किया जाता है, वो मीटिंग के अंदर गठ नेताओं को बुलाया जाता है। अगर तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा सीटें आएगी, तुम्हारा गठ नेता बनेगा, तो वो मीटिंगों में वो जाएगा, वो जाकर बात करेगा, बात करके अपने मसाइलों को रखेगा। कल की आम सभा है साहब, मुझे बुलाया जाता है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ साहब कल की आम सभा है, मेरे एरिया के ये मसाइले हल करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मैं टेबल भी टूटेंगे और स्पीकर भी टूटेंगे, माइक भी टूटेगा। हम हमारे काम वहां पर मसले हमारे मसाइल हल करवा रहे हैं। सब नई टीम थी, मैं खुद भी नया हूँ, मेरी टीम भी नई थी, मैं घट नेता नया था, लेकिन अलहाज सैयद मोइन साहब उनकी कयादत, जब भी जरूरत पड़ती है उनसे फोन पर हम मशवरा लेते हैं, वो हमें अच्छा गाइड करते हैं। जो काम मैं कर रहा हूँ और दूसरे दिगर हमारे नगर सेवक कर रहे हैं, ऐसा ही काम यहाँ के नगर सेवकों ने पिछले नहीं किया। इन लोगों ने, मैं यहाँ पर देखा हूँ साफ सफाई का इतना गंदा आना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने मेरे नगर सेवकों से और वहाँ की आवाम से वादा किया था कि साहब जो साफ सफाई का आलम आपके यहाँ आए वैसा ही आलम हमारे यहाँ था। मैंने वहाँ की आवाम से वादा किया था कि ये जो साफ सफाई है, ये जो कचरा है, हमारे यहाँ के नगर सेवक क्या करते पता है आपको, कचरे के ठेकेदार से भी कमीशन खाते, हर जगह का है, कचरे का भी कमीशन खाते, कचरे का भी पैसा खा लेते। तो हमने वादा किया था कि हमारे नगर सेवक इंशाल्लाह कचरे का कमीशन नहीं खाएगी, तो इंशाल्लाह हमारे ये नगर सेवक भी कचरे का कमीशन नहीं खाएंगे, इंशाल्लाह साफ सफाई दिखाई देंगे आपको, एक रुपया भी हराम मिलता तो कमीशन खाएंगे कचरे का। कुछ भी करो, रोड बना रहे, मैंने बोला चार बोरी सीमेंट के कम डाल दो चलेगा, लेकिन साफ सफाई के साथ में कोई समझौता नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की आवाम ने हमको एक बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट दिया। तो आप लोगों से गुजारिश है, इतना अच्छा मजमा देख के, इतने अच्छे कार्यकर्ता देख कर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम लोग अभी घूम रहे तो इतना अच्छा माहौल मुझे कई और दूसरे प्रभागों में दिखाई नहीं दिया जो आपके प्रभाग में दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 11 तारीख के पहले आप लोगों के जो बॉडीज है, आप लोगों के जो अलग अलग जोन बनाकर दिए गए, यहाँ पे एक पिंडॉल दिए गए अलग अलग,
अलग अलग सबके ऑफिस है, अलग अलग सभी ग्रुप काम कर रहे हैं, तो अभी क्या किया जाएगा, हर ग्रुप के अंदर एक एक को फोड़ा जाएगा। कोई बोलेगा बासित साहब से सेटिंग हो गई है, हम बासित साहब को एक वोट दे रहे हैं, आ में हम एमएम बासित साहब को चला देंगे, बी में आप हमारे को चला दो। मालूम क्या कि बाद में सी वाला आएगा, सी वाला आकर कहेगा कि हमारा अब्दुल बारी साहब के साथ में सेटिंग हो चुका है, हम सी को वोट दे रहे हैं, आप एमएम को चला दो, आपको क्रॉस वोटिंग करने के लिए कहा जाएगा। हर मतदाता को चार वोट करना है, हर मतदाता को चार वोट करना है, चार वोट हम क्रॉस कर सकते हैं कि आप ये बताइए मेरे को। हमारे यहाँ की खवातीन पढ़ी लिखी है नहीं, मेरे अभी एमएनसी का चुनाव हुआ था, पदवीधर का, जो पढ़े लिखों का चुनाव होता है, जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट ही ना उसके अंदर वोट कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ग्रेजुएट लोगों ने वोट किए, पढ़े लिखों ने वोट किया, उसके अंदर भी 2200 वोट खराब हुई। ये सिक्वेंस में एक पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद, इसी में 2200 पढ़े लिखों को खराब हुई है। भाई फिर तो हमारे यहाँ की खवातीन को अल्लाह वाली। अगर हम बोलेंगे कि भाई एक काम करो, एम ए साहब को हफी साहब को वोट दे दो, तीन में दूसरे को वोट दे दो, दो वोट इनको मारना है, दो पतंग चलाना है, दो पंजा चलाना है, तीन पतंग चलाना है, एक पे सिलाई मशीन चलाना है, नहीं हो सकता। अगर आप बारी साहब को चुनकर लाना चाहते हैं, अगर आप बारी साहब के फैन है, तो आपकी क्रॉस वोटिंग की वजह से तुम्हारी सबसे पहले सीट गिरेगी, क्योंकि तुमको नहीं मालूम जो तुम एक क्रॉस वोट दे रहे हो इन्हें दे रहे हो कि बाकी किनको दे रहे हो। समझ में आ रही बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रही? तुमने क्रॉस वोटिंग की कोशिश की या किसी ने बहकाने की कोशिश की, अगर आपने क्रॉस वोटिंग करवाई तो हमारे चारों के भी चारों सीटें हार जाएगी। और दूसरी बात क्या होगा, अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो गया, दो एमआईएम की सीट चुनकर आ गई और दो कांग्रेस की सीट चुनकर आ गई, हमारी दो सीट हार गई, क्या होगा? आप लोगों ने जमात का काम किया है, मजलिस का काम किया है, आप बोलेंगे दो लोग चुनकर आ गए उनके पास जाएंगे, तो वो बोलेगा मेरे हिस्से में वो नहीं एरिया आता, वो बोलेगा मेरे हिस्से में एरिया नहीं आता, वो कांग्रेस वाले केस में आता, वो एमआईएम वाले केस में आता, वो पतंग वो उस केस में आता, पूरे काम की धज्जियां उड़ जाएंगी, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बन जाएगी, तो बोलेगा वहां से काम कर, मैं यहां से काम करता। अगर आपको वाकई में आपके एरिया के मसाइलों को हल करवाना है, वाकई में आपको आपके एरिया का डेवलपमेंट करवाना है, बेहतरीन रोड बनवाना है, उन अच्छी साफ सफाई शहर की हो, आपके प्रभाग की अच्छी साफ सफाई हो, उसके लिए हमें मंडी से इत्तेहाद करके चारों कैंडिडेट को इंशाल्लाह चुनकर लाना है, लाएंगे इंशाल्लाह। क्रॉस वोटिंग होगी, कितना भी बहकाव है, अगर हाफिज साहब के किसी ने अगर आपको लाके आईडियो भी सुना दिया, हाफिज साहब बोले ठीक है भाई मेरे को एक वोट दे दो, बाकी तीन का सेटिंग कर लो, तो भी यकीन मत करना, क्योंकि मिमिक्री के अंदर भी कोई उनका वीडियो बना आइडिया बना सकता है। आई ना बात समझ में? बारी साहब अगर बैठेगा उनका वीडियो आएगा, वो बोल रहे कुछ अंदर से निकल रहा, कुछ कोई वीडियो को भी अंदर एडिट कर सकता है, तो हमें ना वीडियो पे ध्यान देना है ना आइडियो पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ चार पतंग चलाना है। हमको गुलाबी पतंग नहीं देखना है, हमें व्हाइट पतंग नहीं देखना है, हमें पीली पतंग नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वहां जब जाएंगे हम मशीन के सामने, हमें चार पतंग देखना है, चार पतंग देखना है, पतंग कहाँ है, बस पतंग के सामने का बटन दबाना है और रोड कंप्लीट करना है। हमको यह भी नहीं देखना है कि हाफिज साहब सफेद कागज पे थे कि गुलाबी कागज पे थे, बारी साहब कौन थे इस पर थे और बाकी हमारे कैंडिडेट कौन थे इस पर थे, हमें वो भी नहीं देखना, बस जाना है एक दो तीन चार मारे बाहर आ गए, लोगों ने परेशान किया, इनका शौक किया, समझ में आ रहा ना बात है, करेंगे इंशाल्लाह। अरे समझ में आया,